ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में जीत दर्ज की है। पहली बार ये खिताब जीतकर नीरज ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने पहले ही थ्रो में 89.08 मीटर दूर जेवलिन फेंककर जीत हासिल की। इसके साथ ही नीरज ने डायमंड लीग फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की गुजरात यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम अहमदाबाद और भुज में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद में बने नए फुट ओवर ब्रिज के लोकार्पण से करेंगे। इसके बाद पीएम रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। यूएई में आज यानी 27 अगस्त से एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी। टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। पहला मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। वहीं भारत पाकिस्तान का महामुकाबला कल यानी 28 अगस्त को खेला जाएगा। फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। एमपी में बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। प्रदेश में अब भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बुंदेलखंड और बघेलखंड में तेज बारिश होने के आसार हैं। उधर चंबल नदी के उफान पर होने से भिंड मुरैना के कई गांव डूब गए हैं। सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।